हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, टेस्ट बुक का लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है आपका, आज और कल वैलिड है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप जरूर इसको अटेम्प्ट करना और जो आपका स्कोर कार्ड आए आप मेरे साथ जरूर शेयर करना गाइस। और ये टेस्ट आज मैं दे रहा हूँ, देखता हूँ मेरा स्कोर कितना आता है गाइस, ठीक है। तो इसका जो आपको रफ सीट चाहिए, ठीक है, सॉल्यूशन सीट चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आया है डेज, और ठीक है तो 2 तारीख दे रखी है, 10 और चीज ये आपकी क्या है, तो मार्च मंथ की है, एक अप्रैल मंथ की है, 10 और 25 आपके मई मंथ की है, फिर 10 और 25 आपके जून मंथ की है। बिफोर एस बट नॉट इन मंथ ऑफ 30, मतलब 30 डेज में आएगा, 31 में नहीं आएगा। तो मार्च में 31, अप्रैल में 23, फिर मई में 31 और जून में 30, ठीक है। 1% बिटवीन क्यू एंड मैरिज, बिटवीन क्यू एंड यू के बीच में 1% आपका, एटलीस्ट 3% मैरिड आफ्टर एटलीस्ट 3 होंगे, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर मैं 3 लेता हूँ और आगे बोला है कि वी और डब्ल्यू के बीच में 2 है, 1 2 वी, एक बार वी यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 और डब्ल्यू के बाद एक बार 4 हो जाएंगे, 2 केस बनेंगे आपके। पी एंड डब्ल्यू गॉट मैरिड सेम मंथ, पी और डब्ल्यू सेम मंथ में आएंगे आपके, यू मैरिड जस्ट बिफोर आर बट सज डॉट बट पौधो सेम मंथ में आएंगे आपके, ठीक है। क्यू और क्योंकि आर और क्यू और यू के बीच में 1% है, क्यू और आर क्यू और यू के बीच में 1% है। एस से पहले टी होगा बट टी 31 मारा ही नहीं होगा, तो टी और एस ये मेरा पहला केस सही हो गया। एस गॉट मैरिड ऑन 10th जून, 10th जून को आपका कौन है, ये आपका टी है। हाउ मेनी पर्सन गॉट मैरिड बिटवीन मैरिज डे ऑफ एस एंड आर, एस और आर के बीच में कितने आपके, 1 2 3% है आप। फोर डज नॉट बिलोंग, 1 डज नॉट बिलोंग करेगा, 4 सेम, ठीक है। यू आपका है 10 मार्च को है, फिर पी 25, एस 25, डब्ल्यू मतलब 31 30 वाला होगा, ठीक है। यू और बी आपके 31 दिन वाले में आ रहे हैं, और फिर W एंड P आ रहा है, S आपका 30 दिन वाले में आ रहा था, ये हो गया आपका। इफ ऑल द पर्सन गॉट मैरिड रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम मार्च टू, मतलब रिवर्स करना है इनका, ठीक है। W V U फिर T फिर S फिर R फिर Q और फिर P, डज ओ मूव द फॉलोइंग गॉट मैरिड सेम डे को, देखो एक तो आपका V है तो V हो जाएगा आपका सेम। You got married on, you आपका क्या आ रहा है, 10 मार्च को आ रहा है। अब आ गए आपके स्लॉट्स, ओनली फ्यू वुमेन आर IAS और सम वुमेन आर IPS, सम वुमेन आर IPS, नो IPS इज मिनिस्टर, फ्यू IAS इज IPS हो सकता है, ये डाउटफुल है आपका, क्योंकि उसने बोला ओनली फ्यू वुमेन आपका IPS है, ठीक है, ये डाउटफुल हो गया आपका। No IAS is IPS, no IAS is IPS, ये भी डाउटफुल है हमारा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये आपके ये हो जाएगा आपका आयदर का केस, आयदर से 3 दे रखे गए इसके अंदर। तीसरा कह रहा है ऑल आगे बोला ऑल मिनिस्टर आर वुमेन, ऑल मिनिस्टर ये भी नहीं हो सकता आपका, तो इसमें देखो आइदर का केस लग जाएगा, ओनली 1 एंड 2। सेकंड कह रहा है अब ये ऑल लाइट आर डार्क, क्यू डार्क आर पावर, ऑल पावर आर गॉड, ऑल गॉड इज लाइट हो सकता है नहीं हो सकता, सम पावर इज डार्क सम पावर इज डार्क, ये आपका हो जाएगा, सम डार्क इज गॉड सम डार्क इज गॉड, ये भी हो
तुमने बोला था ऑल डार्क फ्यूल, ओनली फ्यू डार्क इज पावर होगा, और ये नहीं होगा क्योंकि आपका जा रहा है इसके अंदर सेकंड एंड थर्ड आपका फॉलो हो जाएगा। ओनली बुक तो पेन, ऑल पेन आर बुक हो जाएगा, सम टेबल आर नॉट बुक हो जाएगा, टू टेबल आर चेयर हो जाएगा, ऑल टेबल आर चेयर हो सकता है नहीं होगा, उसने बोला पहले बोल रहा फ्यू टेबल आर चेयर, ऑल पेन बिंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, ये आपका सही हो जाएगा, ऑल चेयर आर बुक ये हो सकता है डाउटफुल, डाउटफुल का पॉसिबिलिटी आपका सही होता है। तो सेकंड एंड थर्ड फॉलो, 9% सिटिंग इन अ स्कूल टेबल, सम आर फेसिंग सेंटर, सम आर फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। तो अब इसको हम बाद में करते हैं, पहले कुछ और देख लेते हैं। यह आपका आ गया ब्लड रिलेशन, ठीक है। जी इज फादर ऑफ के, जे इज फादर इन लॉ ऑफ आई, हु इज वाइफ ऑफ जी, तो जी की वाइफ हो गई आपकी और जे आपका फादर इन लॉ हो जाएगा। आगे बोला एम इज द स्पाउस ऑफ जे, तो जी का फिर संबंध मतलब हो जाएगा एम वाइफ हो जाएगा। एल इज द सन ऑफ आई, एल इज द सन ऑफ आई, जी हैज ओनली वन सन, जी का एक सन है, तो ये आपका फीमेल हो जाएगा। देर आर टू कपल प्रेजेंट है, आई इज द डॉटर ऑफ एच, आई आपका डॉटर ऑफ एच है। हु इज द डॉटर ऑफ आई, आई की डॉटर कौन है आपकी, के। एम का रिलेशन बताना किसके साथ, एल के साथ, तो ये ग्रैंड मदर हो जाएगी। एच का रिलेशन, अब एच तो देखो फादर इन लॉ भी हो सकती है, मदर इन लॉ भी हो सकती है आपकी, उसने कोई बोला ही नहीं ऐसा कि इसका मेल फीमेल का कनेक्शन, ठीक है। अब आगे आपका इनइक्वालिटी, बी से एल जाना मुझे, बी देखो ये बी से मैं जेड जा सकता हूँ और जेड से मैं कोई और नहीं होगा, ये कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा, फिर जेड से एक्स, जेड आपका देखो कहाँ है, ये जेड इक्वल टू बी है और फिर बी सी, यहाँ पर नाइदर वन एंड टू। टी से ए, टी से आप ये नहीं जा सकते आप, जेड से आई, जेड से आप ये भी नाइदर वन एंड टू हो जाएगा। एल से ओ, एल से आप देखो ये आइदर हो गया, आइदर वन और टू, 6%, ये आपका फ्लोर बेस्ड पजल आ गया आपका, ठीक है। बी इज जस्ट अबाव हुज एज इज 13, ठीक है, मतलब एज भी दे रखी है, बी इज जस्ट अबाव सी है उसकी एज 13 दे रखी है, ए लिव वन ऑन द फ्लोर अबाव डी, डी के ऊपर आपका ए रहेगा। ई द एज ऑफ ई इज 2 मोर देन सी, मतलब सी की 13 है तो ई की 15 साल हो जाएगी। ए एज ऑफ ए इज 5 लेस देन ई, तो ए की एज कितनी हो जाएगी आपकी 10 साल हो जाएगी। बी इज ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट फिफ्थ फ्लोर, ठीक है, बी आपका ऑड पे आएगा और वन पे तो आ नहीं सकता, ये आपको पता है सी के ऊपर रहेगा वो। आगे बोला कि द ए हुज एज इज 20 इयर्स लिव ऑन द फोर्थ फ्लोर, फोर्थ फ्लोर वाले की आपकी 20 इयर्स होगा और ओनली 2% पीपल लिव बिटवीन सी एंड ई, तो एक दो ई आपका यहाँ हो गया, ई की एज कितनी आपकी 15 साल है। अब ई की आपकी 10 साल होगी, 10 यहाँ पे तो नहीं सकता, तो ए कन्फर्म हो गया टॉप फ्लोर पे आएगा, उसकी एज कितनी है 10 साल है। आगे बोला कि वन हु एज इज 14 इयर्स लिव बिलो सी, तो ये 14 साल का हो जाएगा आपका, कौन अभी भी बता नहीं। एफ डज नॉट इवन नंबर पे आएगा, तो एफ आपका टॉप बॉटम पे आ जाएगा, डी आपका फोर्थ फ्लोर पे आ जाएगा। चलिए ए एज ऑफ बी इज 5 इयर्स, एज ऑफ बी कितनी है 5 साल है। हु अमंग द लिव ऑन द थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे आपका बी रहेगा। उसके बाद एज ऑफ ई की एज पूछा तो 15 साल है आपकी। वो द फॉलोइंग लिव और ए आपका क्या है 6th फ्लोर पे आपका रहेगा। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन डी एंड बी, डी की एज कितनी है आपकी 20 साल है, बी की 5 साल है, तो 15 साल आपका डिफरेंस हो जाएगा। हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में देखो आपके 2% रह रहे हैं,
ये क्या है आपका चाहिए? जी दो दो प्लस कर रहे हैं, आई जी बढ़िया, यहाँ पे ए के प्लस हो रहा है। ये क्या है आपके, ये आपका आ गया रैंकिंग बेस्ड है, कितने 6% है, ठीक है 20% डिफरेंट है। पी इज लेस देन ओनली टी एंड यू से लेस देन है बस, बट टी और यू कंफर्म नहीं कि टी टॉप पे आए, मतलब हाईएस्ट रैंक होगी उसकी, नहीं होगी। पी आपका कंफर्म हो गया, टी इज नॉट ऑड नंबर, टी की एज मतलब टी का जो है वो इवन नंबर होगा, ऑड नंबर नहीं होगा। एस इज मोर देन ओनली वन, वन से ज्यादा है बस। एस एज ऑफ क्यू एंड आर, क्यू और आर की रिस्पेक्टिवली है 32 19, तो ये कंफर्म हो जाए। क्यू यहाँ पे, ये आपका आर यहाँ पे, आर की 19 है, इसकी 32 है। द एल्डेस्ट पर्सन इज 71 है, 71 है मतलब टी तो होगा नहीं, फिर कंफर्म है यू हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा। हु इज द एल्डेस्ट, एल्डेस्ट आपका यू हो जाएगा। व्हाट मे बी द एज ऑफ टी, टी की एज क्या हो सकती है आपकी, वो 71 से कम होगी। तो देखो इसकी जो पॉसिबिलिटी है, अब देखो क्या हो सकती है पॉसिबल, ठीक है देखो, उसने बोला इवन होगी, तो इवन देखो आपकी 68 ही होगी। हाउ मैनी पीपल आर ओल्डर देन क्यू, तो क्यू से आपके 1 2 3 है। अब ये अल्फा नंबर की सीरीज आ गई, हाउ मैनी नंबर्स आर प्रेसिडेंट इमीडिएटली प्रेसिडेंट बाय लेटर और फॉलोड बाय नंबर, तो सबसे पहले मैं नंबर ढूंढता हूँ। देखो नंबर 9 है, इसके पीछे नंबर नहीं, आगे देखो नहीं है ना, 4 के आगे नंबर है, उसके पीछे लेटर ए पेयर हो गया, फिर 5 के आगे नंबर नहीं है, फिर देखो 7 के आगे नहीं है, 1 के आगे नहीं है ना, तो एक हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाउ मैनी लेटर्स इज इमीडिएटली प्रेसिडेंट बाय अ लेटर फॉलोड बाय अ लेटर, मतलब लेटर 3 लेटर एक साथ होने चाहिए। देखो यहाँ पे टी क्यू डब्ल्यू नन हो जाएगा, इसका कोई भी नहीं दिख रहा ना आपको। देखो यहाँ पे 6 Z G 3 लेटर एक साथ है क्या आपके, नहीं है। इफ ऑल द सिंबल्स इन द अबव अरेंजमेंट आर ड्रॉप देन विच ऑफ द फॉलोइंग 10th फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3 4 5 6 फिर आपका 7 8 9 10, एक बार फिर चेक कर लो एक बार, इसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सिंबल डिलीट कर दिए मैंने, तो राइट हैंड से 10th, देखो 1 2 3 4 5 6 फिर आपका 7 8 9 10, ठीक है। अभी सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन दे रखी है आपके, दे आर 4 पर्सन बिटवीन, ठीक है। देखो कितने दे रखे, 4 पर्सन, 1 2 3 4 ओ के बीच में, एक बार राइट हैंड से आ जाएगा डब्ल्यू, एक बार लेफ्ट हैंड से आ जाएगा, ठीक है। एस अब देखो आई सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ एन, एन के थर्ड लेफ्ट में आपका आई हो जाएगा, और 1% बिटवीन आई और जे के बीच में 1% है, और एच इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ जे, 1 2 3 4 एच हो जाएगा। एस इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, एस एक बार यहाँ पे एक बार एस यहाँ पे, 2% बिटवीन एन और एस, आप देखो क्या बोला, एम और एस के बीच में 2 है ना, ठीक है। एक दो यहाँ पे आ गया एम, अब एम के 1 2 ये हो गया आई, आई और जे के बीच में आपका 1% है। अब जे के फोर्थ लेवल मैच, 1 2 3 4 1 2 1 1 2 3 4 आ गया एच,
एटलीस्ट 15% सेट बिटवीन एच एंड डब्ल्यू, 15% होना चाहिए एटलीस्ट। तो देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, ये तो गलत हो गया, तो हमारा ये वाला केस सही होगा। डब्ल्यू एंड वी के बीच में 1% है, जी सेकेंड फ्रॉम एंड कोई 1% बिटवीन जी और एच, ठीक है। अब देखो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसने बोला टोटल नंबर ऑफ पर्सन, देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस टोटल पर्सन आपके बैठेंगे इसके बीच में ना, टोटल बैठेंगे। पोजीशन ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू एम, तो एक दो तीन चार पांच फिफ्थ लेफ्ट में आपका, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन एच और आई के बीच में। तो देखो एक दो तीन चार पांच पर्सन आपके बैठे हैं, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग लेफ्ट ऑफ जे। तो देखो एक दो तीन चार पांच छह सात पर्सन आपके टोटल बैठे लेफ्ट में जे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एम, तो देखो एक दो तीन चार पांच छह सात सेवंथ राइट, ये आपका आगे एक सीरीज देखिए 1 6 1 8 4 2 5 3 7 बैकवर्ड और फॉरवर्ड चेक करना, ठीक है। 6 7 8 एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ चार पांच छह सात चार पांच छह सात आठ दो तीन चार पांच छह दो तीन चार पांच पांच छह सात आठ पांच छह सात तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः परसेंट, छः होगा टोटल। अभी डायरेक्शन बेस्ड आ गया आपका, पॉइंट बी इज 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ई, आगे बोला डी इज पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट ई इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ, 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ सी और सी इज 9 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए, तो ये 6 ये हो जाएगा 3 भी किसके किसके ए के, ठीक है। और पॉइंट जी 3 किलोमीटर वेस्ट ऑफ, तो 3 किलोमीटर वेस्ट ऑफ किसके, कौन सा जी पॉइंट है, ओके। पॉइंट डी इज 10 किलोमीटर साउथ ऑफ बी, तो बी के आपके 10 किलोमीटर, तो ये 8 तो ये हो गया और ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे कौन हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। पॉइंट डी इज 2 किलोमीटर साउथ ऑफ एच हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसने क्या बोला, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच में 8 हो जाएगी आपकी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में आपके 3 किलोमीटर है। चलिए ये हमारे पास 9% वाला क्वेश्चन है। एम इज फेसिंग इनसाइड, इसके सेकंड राइट में आपका पी है, इमीडिएट नंबर ऑफ ओ फेस सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू ई, के इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एम, एक दो तीन भी आ जाएगा के, ओ इज सेकंड लेफ्ट ऑफ, पी आउटसाइड है आपका, उसके सेकंड लेफ्ट में आपका ओ हो जाएगा, ठीक है। जे इज इमीडिएट नंबर ऑफ पी, एम हो गया आपका, है ना, ठीक है। अब देखो जे एक बार पी के लेफ्ट में आ जाएगा और एक बार राइट में आ जाएगा। आगे बोला है कि एंड सेकंड लेफ्ट ऑफ आर के सेकंड लेफ्ट में होगा आपके जे, आर के सेकंड लेफ्ट में आपका जे होगा। आगे बोला है कि आर के सेम डायरेक्शन से एम की तरह होगा, मतलब एम का फेस इनसाइड है तो आर का भी इनसाइड होगा, तो आर अगर मैं इनसाइड लेता हूं तो ये पॉसिबल नहीं, इसके लेफ्ट में आर एक बार ओ की कपड़ों से हो जाएगा, ये हो जाएगा आर एक बार यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ओ के जो पड़ोसी है वो दोनों सेम देख रहे हैं बट इसके अपोजिट, ओ आउटसाइड हो जाएगा एक बार, ये इनसाइड है, ये भी इनसाइड, ये आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। आर सेम, एन और एल आपके इमीडिएट नाइबर है,
मतलब एन और एल आपके यहाँ पे आएंगे, कंफर्म हो गया है, और सेम डायरेक्शन में आपके देखते हैं, बट एन आपके एम का पड़ोसी नहीं है, तो एल यहाँ पे आ जाएगा, ये एन हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा। एल फेस द सेम डायरेक्शन एस जे, तो एक बार देखो एल की से जे आपका देखो अभी है भी यहाँ पे, बट इस केस में देखो जे इनसाइड है, एल भी इनसाइड हो जाएगा, ये भी इनसाइड हो जाएगा। J और K एंड Q आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, K और Q का सेम डायरेक्शन होगा, K एंड Q का, तो यहाँ पे देखो K और Q, अब इसने क्या बोला, ओके सेम अच्छा यहाँ पे देखो इमीडिएट नंबर ऑफ M फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, इमीडिएट नंबर ऑफ M, ये कंफर्म हो गया मेरा। हाउ मेनी पर्सन आर, हाँ क्या बोला क्वेश्चन में, हाउ मेनी पर्सन फेसिंग आउटवर्ड, ठीक है तो आउटवर्ड अभी देखता हूं मैं, तो एक दो तीन चार आपके आउटवर्ड है। हु इज फॉलोइंग इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट में आपका के है। Who are the immediate neighbor of M? M के पड़ोसी आपके L और Q है। Who is the third left of L? के third left में एक दो तीन वो आपका R है। Who is sitting second to the right of P? के second right में आपका M है। चलिए ये हुई reasoning complete, हम quant पे चलते हैं। दो सौ चार ये हम कर सकते हैं ना, तीन इंटू इक्यावन सत्रह में से दो बजे तो आपका आठ ही बचता है, तीन 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 ठीक। अगला क्या है, टू इंटू फोर्टी एट, तो वाई आपका ग्रेटर देन हो जाएगा। जो इजी लग रहा है वही फटाफट कर रहा हूं, ठीक है नब्बे, तो दस और दस में से नौ गए आपका, तो पांच 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 इंटू बहत्तर, नौ पंच पैतालीस और आठ, नौ कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा रिलेशन, इसको बाद में करेंगे। ये डी आई अभी ठीक है, इजी है, ये आपकी क्या सीरीज आ गई, ठीक है एक बार हम सिंप्लीफिकेशन दे लेते फटाफट, वापस ठीक है, ये आ गया आपका सिंपल इक्वेशन, ये वन बाई टू ये हो जाएगा थ्री थर्टी नाइन हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा नाइन बाई टेन, ये हो जाएगा फोर एट्टी थ्री, आठ सौ इकतालीस ये होता आपको, उनतीस का हो जाएगा आपका, उनतीस इंटू तीन कर दो तो 57 हो जाएगा, इसे प्लस कर दो जीरो, पांच सौ सत्तर, फाइव नाइनटी आना चाहिए इसका, है ना, फाइव नाइनटी करेक्ट आंसर होना चाहिए, चलिए दोनों ऑफ दिस,
ये हो जाएगा 28 × 56 प्लस 48.36 इंटू 9 माइनस का 4 बराबर एक्स स्क्वायर, तो 12 × 4 = 48, 12 × 3 = 12, 8 × 6 इसमें से 4 गए 64, 64 किसका होता है आपके 8 का होता है, ये हो जाएगा 5³ 105, चलो 5³ 3 ही कर दो, 5³ 7 इंटू 25 का स्क्वायर 625 × 12, ये देखो यहाँ पर बचा 5³ 12 × 125 × 8 / 10 = 2 बचेगा, ठीक है। हो जाएगा 3 × 36 × 128 आपको ₹14,068 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो 15 दिया, ठीक है 135 हो गया, ये आपका रूट एक्स हो जाएगा 25 हो जाएगा, 420 हो जाएगा, बर्थ का 35 हो जाएगा, 5 × 11 = 8 135 क्या तो 0 35 का स्क्वायर कितना होता है 25 का स्क्वायर 625 सही है। अभी आपको दे रखा है एक, ठीक है इससे बढ़िया हम कोई और करते हैं, डीआई पहले ये वाली कर लेते हैं, ठीक है। देखो राजस्थान दे रखा है, केरला दे रखा है आपको, आपको दिल्ली दे रखा है, आपको बंबई दे रखा है, टोटल आपके 2 लाख है ना, तो 35 × 35% है ना, ठीक है ये हो जाएगा फिर 20, ये आ गए आपके तो 70,000 हो गए, ये हो गया 10,000, ये हो गया आपके अब उसने आगे बोला है मेल एल फीमेल डाई का दे रखा है, मतलब और ऊपर वाला परसेंट डेट टोटल दे रखे है आपको, तो मेल और फीमेल का रेशो दे रखा है, मतलब 2 की वैल्यू 35 इसमें 35,000 इसमें 35,000 आपके, फिर 5 की वैल्यू 10 × 2 तो इसमें 20,000 हो जाए, मतलब 2,000 के आसपास हो जाएंगे, इसके 8,000 के आसपास हो जाएंगे, ठीक है।
अगर बोला 5 की वैल्यू 40 हो जाएगी अगले में, 1 बराबर 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हजार, और ये 8 दे 24 हजार। नेक्स्ट बोला 5 की वैल्यू 80, मतलब 1 की वैल्यू 16 64 हजार हो जाएगी इसके, और ये 16 हजार। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ इमेल डेड दिल्ली, दिल्ली में डेड कितनी हो रही है 24 हजार, और मुंबई में आपकी कितनी हो रही है 16 हजार, 20 हजार करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन डेड इन केरला, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछे, ठीक है इसमें आपके 10 हजार है। व्हाट परसेंट मोर पर्सन डेड इन दिल्ली, दिल्ली में कितने आपके 40 हजार है। देखो 35 हजार 20 हजार 16 हजार 64 हजार, 6 7 135, मतलब 1,02,000 याद करोगे तो 35 तो है, 2,000 थे, ठीक है ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ करती हूँ, 2,000 हो गए, ये आपके 16,000 है। ये 58.5 हो जाएगा करेक्ट आंसर। रेशियो ऑफ मेल डेड इन केरला एंड दिल्ली, केरला में देखो 2,000 है आपके, और दिल्ली में कितने आपके 16,000 है, 0008 ये हो गए 18,000। मेल इन दिल्ली, दिल्ली में कितने आपके 24,000 है, और बंबई में कितने आपके 16,000 है। ₹9:20 आ जाएगा करेक्ट आंसर। टोटल नंबर ऑफ मेल डेड इन 2020, टोटल मेल पूछा है ना, 83,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारे रॉन्ग नंबर, सॉरी मिसिंग नंबर से 150 और 140, ये किसका डिफरेंस है, हमारा का फिर 20 का, 25 का, मतलब 5-5 का है, तो 5 माइनस कर दो 135 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59, 11, 17, 5, 6, 11, 12, 5 में 2 जोड़ा तो 7 का स्क्वायर, 11 में 2 13, 17 में 2 19 का, तो ठीक है 17 से 23, 23 में 2 पर आप जोड़ोगे, 23 में 90 आ जाएगा, 60, 90, 144, 252 मल्टीप्लाई नहीं लग रहा, मुझे लग भी रहा है, बट ट्राई करते हैं माइनस करके, 30 का 46,
इसका कुछ नहीं मिल रहा, चलिए टाइम वेस्ट हो गया इसमें, चलो कोई बात नहीं। दो सौ पच्चीस करेक्ट आंसर होगा। 399 ये भी माइनस का ही लग रहा है मुझे जहां तक। दो दो माइनस हो रहा है, 224 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था यहाँ पे, अगला क्या है देखो, इसमें प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, 52 टोटल, 52 में से मुझे देखो चार क्वीन होती है, और या तो ये निकालने वाले चार क्वीन होती है, तो इसको हम बाद में करेंगे। ये हम कह सकते थे 15 साल पहले ये इसका रेशियो था, आगे बोला 5 साल बाद तेरा रेशियो 15 हो गया, ठीक है। अब इसने क्या बोला, सम एंड डिफरेंस ऑफ देयर क्वीन, फाइंड द रेशियो बिटवीन सम एंड डिफरेंस ऑफ देयर क्वींस, प्रेजेंट टेंस पूछा है ना उसके। ठीक है, अब इसका बोला सम पूछा है सर, और इसने बोला डिफरेंस। ये हो जाएगा 51:4। ये हम कर सकते हैं, ठीक है इसको करते हैं सबसे पहले डी आई को। ए बी सी और डी और ई, इनका रेशियो दे रखा है, हाउस का रेंट दे रखा है और फूड का दे रखा है, खर्चा दे रखा है फूड का, फिर हेल्थ का दे रखा है, फिर आपके एजुकेशन का दे रखा है। सबसे पहले इसका देखो 10% दे रखा है इसका, फिर 20%, फिर आपका 40%, फिर आपका 30%। अब बी की बात करें तो 15%, 40% और आपका 30%, फिर आपका देखो 10, फिर आपका 25%, फिर आपका वापस 25% और ये 40%। डी की बात करें तो 15% और 30% और 40%, फिर आपकी ई की बात करें तो 5%, इधर का 25, ये कितना दे रखा है 15%, और देन लास्ट कितना दे रखा है आपको डायरेक्ट 75%। अब इसने क्या बोला, फूड पे फैमिली सी की बात करें, फूड 25% खर्च कर रहा है, पर यहाँ पे दे रखा है 2500, एक की वैल्यू आ गई आपके 100। अब इनकम ऑफ बी की जो दे रखी है 150 ऑफ सी की इनकम का, ये दे रखा 5:3:2 का, ठीक है ना। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फूड, ठीक है हम निकाल देंगे, तो इसकी हो जाएगी टोटल हो जाएगी इसकी 10,000।
सी की आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी आपके 15,000। 15,000 का मुझे एक्सपेंडर फूड पे निकालना है, तो कितना 15, तो 225 देख लो आप करेक्ट। ये देखो करेक्ट आंसर हो गया। अब इसने बोला द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी का, ए की इनकम दे रखी है, बी की इनकम दे रखी है, सी की इनकम दे रखी है, मतलब 7,000 मान लो, 700 मान लो आप, 500 मान लो और 400 मान लो। अब उसने बोला इसका हेल्थ पे बताना है, तो ए का जो हेल्थ पे कितना है भाई साहब, वो है 40%, और इसके बाद बी का भी है 40% और इसका है 25%। ठीक है ठीक है। अच्छा ये आपको देखो, 2 से 4 से काट दो, 14:10:5 से करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर ए एंड, अच्छा देखो उसने बोला है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए और एजुकेशन एंड टोटल एक्सपेंडिचर बी और हाउस रेंट, बी का हाउस रेंट पे दे रखा है मुझे 1500। ए का एजुकेशन पे कितना है, 30% है, और बी का हाउस रेंट पे कितना, 15% है, इसकी वैल्यू दे रखी 15% की वैल्यू दे रखी 1500, एक की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100। अब उसने क्या बोला, ए की इनकम का रेशियो और बी की इनकम का रेशियो दे रखा है 2:3, मैं इसकी 200 मान लूँ, इसकी 300 हो जाएगी वैसे अगर 1% के हिसाब से, तो टोटल इनकम ऑफ बी डायरेक्ट पता चल जाएगी। टोटल इनकम ऑफ सी की जो टोटल इनकम दे रखी है 50,000 दे रखी है, ठीक है। तो अब उसने बोला स्पेंड ऑन हाउस, हाउस रेंट में सी कितना कर रहा है, 10% कर रहा है, फिर एजुकेशन की बात करो तो 40% कर रहा है, और फूड पे कितना कर रहा है वो 75% निकाल दो, 25 दिया 25 24, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बी, देखो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन बाय बी, एजुकेशन बाय कितना 30 है, सी का कितना, सी का भी पूछा है आपका एजुकेशन 40 हो जाएगा, ई का कितना 75 है, ठीक है। ये डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, हम इनकम का नहीं दे रखा तो कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, ये डायरेक्ट पता चल रहा है। अर्थमेटिक देखते हैं, अब ये डी आई तो होगी लास्ट वाली, ठीक है यहाँ पे देख लेते हैं। रेशियो ऑफ सर्कल, रेडियस सर्कल की दे रखी है और साइड ऑफ स्क्वायर, ए का रेशियो 2:3 दे रखा है, ब्रेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, तो ब्रेंथ भी आपकी 3 हो जाएगी, लेंथ जो है वो 3 टाइम्स ऑफ मोर, मोर देन है ना, तो 10/7, और ब्रेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वो 3x है, तो 30/7 हो जाएगी। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल दे रखा है 2 × L+B दे रखा है, ठीक है ये दे रखा है 102, ठीक है यहाँ से निकल जाएगा, ये कवर हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7। तो इसने बोला एरिया ऑफ सर्कल, तो डायरेक्ट निकाल दो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 12,000 लगाएगा, सी जे वो आपका 4/3 ऑफ बी का, तो ये 16,000 लगाएगा, 10:6:8 मतलब 5:3:4, ए आफ्टर ए ने काम के 8 महीने, सी लेफ्ट आफ्टर 9 महीने स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, डी पूरा कर रहा है, ठीक है। ए और सी का
यार चलिए कोई बात नहीं। टोटल नंबर अटेम्प्ट कितने हुए? 63 हुए, आपके 3 मेरे गलत हो गए गाइस। इसका रिजल्ट है वो कल आपको 9:30 बजे देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है। जो जो आपका स्कोर कार्ड आता है मेरे साथ जरूर शेयर करना गाइस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।